साइंस क्लासेस बाय रंजीत कुमार में आप सभी का स्वागत है। आप सभी पढ़ रहे हैं क्लास 5 साइंस चैप्टर 1.5 एनिमल्स। एनिमल्स में हम लोग ने पिछले बार एनिमल के सेंस ऑर्गन का डिस्कस किया था, सेंस ऑफ स्मेल, सेंस ऑफ विजन, और हम लोग ने सेंस ऑफ हियरिंग, सेंस ऑफ टच और सेंस ऑफ विजन पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है, हाउ डू एनिमल्स कम्युनिकेट एंड स्लीप, कैसे जानवर आपस में बात करते हैं और सोते हैं। लाइक अस एनिमल ऑल्सो स्पीक टू कम्युनिकेट एंड टेक रेस्ट, हम लोगों की तरह जानवर जो है वह बातें करते हैं और आराम भी करते हैं। इन प्रीवियस क्लास यू लर्न दैट बर्ड कम्युनिकेट विथ वन अनदर बाय कॉलिंग और सिंगिंग। अगले ही चैप्टर में, अगले क्लास में आपने पढ़ा था कि जो जानवर चिड़िया होती है वह बातचीत करने के लिए या माने वो कॉलिंग करने के लिए सिंगिंग करती है या चहचहाती है, तो दो तरह के साउंड्स को प्रोड्यूस करती है। एक आपका सिंगल वे साउंड होता है वो कॉलिंग करने के लिए होता है, और एक उनका सिंगिंग होता है जो वो जनरली इस्तेमाल करती है। सिमिलरली यू हेयर डॉग बार्क्स, यल्प, विंस एंड क्रॉल टू कम्युनिकेट इट्स फीलिंग। आपने कुत्ता देखा होगा, कुत्ता भौंकता है, यल्प करता है, विंग्स करता है और क्रॉल करता है, ये सब उसके बात करने का तरीका होता है। इट्स विंग्स इट्स टेल्स व्हेन इट हैप्पी एंड व्हाई हाइड इट्स टेल बिकम इट्स लेग व्हेन स्केयर्ड। जब बहुत खुश होता है कुत्ता उस समय अपने पूंछ को वह उठाता है, ठीक है, मैंने ऊपर की तरफ उठाता है, वैग्ड इट्स सेल्फ वैन इट्स हैप्पी, और हाइड करता है, छिपाता है तब जब वह डरा हुआ होता है तब, ठीक है। अदर एनिमल लाइक कैट, काउ, गॉट, बुफेलो, हैन, कॉक, डक, ईटीसी प्रोड्यूस साउंड एंड कॉल अदर, दूसरे को बुलाने के लिए बिल्ली, कुत्ता, बिल्लियाँ, बकरी, गाय, भैंस, मुर्गी और मुर्गे, डक, ये सारे के सारे साउंड प्रोड्यूस करते हैं दूसरे को बुलाने के लिए। जनरली ह्यूमन बीइंग स्लीप फॉर 7 to 8 hours, हम लोग सभी मनुष्य जो हैं 7 से 8 घंटे सोते हैं, बट सम एनिमल स्लीप फॉर लॉन्ग आवर, बहुत जानवर ऐसे होते हैं जो लंबे समय तक के लिए सोते हैं। फॉर एग्जाम्पल ब्राउन बैट स्लीप अबाउट 20 hours अ डे, चमगादड़ जो भूरा चमगादड़ होता है वह 20 घंटे सोता है, लगभग दिन भर सोता ही रहता है। स्लीपिंग ड्यूरिंग डिपेंड ऑन द स्लीपिंग एक्सपेंडिंग ऑफ एनर्जी, जो स्लीपिंग करना है, सोना है जानवरों का, वह उनके एनर्जी लॉस करने की क्षमता पर निर्भर करता है। स्मॉल एनिमल स्लीप फॉर लॉन्गर आवर देन बिग एनिमल्स बिकॉज दे स्पेंड मोर एनर्जी, जो छोटे जानवर होते हैं उनको ज़्यादा एनर्जी अपना लॉस करना होता है, इसलिए वे ज़्यादा देर तक सोते हैं। फिश रिड्यूस देयर स्विमिंग स्पीड एट द रेस्ट, मछलियाँ लगातार तैरती रहती हैं लेकिन सोते समय वो अपने तैरने की स्पीड जो है वह कम करती है। आपको एक चीज़ और मालूम होना चाहिए कि मछलियाँ जो हैं आंखें खोल के सोती हैं, ठीक है। डॉल्फिन स्लीप विथ वन आईज ओपन, डॉल्फिन जो होती है वह एक आंख अपना ओपन करके सोती है, ठीक है। अब आगे हम लोग देखते हैं इनके सोने वाली बात, आप सोने ही जाएंगे इस चैप्टर को पढ़ते पढ़ते, है ना, ऐसा मुझे आशा है कि इस वीडियो को देख देख के आप सो ना जाएं। व्हेन अ काउ स्लीप हर आई आर ओपन फॉर अबाउट 2-4 hours, तो गाय जो है वह सोती है लेकिन अपने आँखों को खोल करके, और गाय सोती है मात्र 2 से 4 घंटे ही गाय सोती है। दिस इज इन ऑल ग्रेजिंग एनिमल्स, जितने भी घास चरने वाले जानवर हैं सब में लगभग ये बातें पाई जाती हैं। ए हॉर्स स्लीप वाइल स्टैंडिंग, जो घोड़ा होता है वह खड़ा खड़ा सोता है। डॉग एंड कैट क्लोज देयर आइज टू स्लीप, कुत्ता और बिल्ली अपनी आँखों को बंद करके सोते हैं। बर्ड्स स्लीप ऑन द ब्रांचेस ऑफ अ ट्री
ऑन इन देयर नेस्ट। तो जो चिड़िया होती है वह सोने के लिए घोंसले में सोती है, माने पेड़ के शाखा में बने हुए घोंसले में वो जाकर वह सोती है, रेस्ट करती है। टाइगर, काला एंड डॉल्फिन स्लिप अबाउट 16, 18, 10 आवर्स रिस्पेक्टिवली। टाइगर जो है वह 16 घंटे, काला जो है वह 18 घंटे और डॉल्फिन जो है वह 10 घंटे तक सोता है। स्लीपिंग इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फेनोमेना इन द लिविंग एनिमल्स टू गिव रेस्ट टू देयर बॉडीज। सोना जो है वह बहुत ही महत्वपूर्ण गुण है आपके जीवित प्राणियों का, ठीक है, उनके शरीर को आराम दिलाने के लिए। यूजफुलनेस ऑफ एनिमल, जानवरों की उपयोगिता, ठीक है, इसके बारे में अगला वीडियो आपका बनेगा। आज की वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को जैसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।